तो गाइस हेलो एंड वेलकम टू द जीजेडी ब्लॉग चैनल। तो भाई आज हम आए हुए थे अपनी बाइक की सर्विस कराने, तो मैं शोरूम पर नहीं लेके गया बाइक को, तो मैंने पहले जो है ना बाहर लेके आया हूँ सर्विस पे। ये भैया बहुत अच्छी सर्विस कराए, मतलब पावर बाइक की सर्विस कर सकते हो आप। मैं लोकेशन सारी बता दूंगा आपको और थंबनेल में आप समझ ही जाओगे कि क्या होने वाला है आज। तो मैं सर्विस करवाने यहाँ पे आया हूँ और भैया कितने एड्रेस वेड्रेस सारी मेंशन कर दूंगा अभी भैया गए हैं। तो मैं एक बार बाइक के ऊपर फोकस करना चाहूँगा। देखो बाइक सारी भाई ने नंगी रख दी भाई, टोटल ऐसे होती है भाई असली सर्विस ना, इस तरीके से होती है। वो नहीं कि बहन चोद सर्विस करेंगे साले दो चार ऐसे पार्ट से खोले यार, सर्विस नहीं हो रही। अब देख सकते हो ऊपर की टंकी वंकी, भाई ने सारी चीज़ें निकाल दी, निकली पड़ी। और भाई अभी मैंने फिलहाल में ही थोड़े दिन पहले सर्विस कराई थी बाइक की, तो जब मैंने अब इसमें देखो तेल ऐसे भाई इतना गंदा तेल डालते ना ये लोग, बहुत ही गंदा। तो भाई इतना गंदा तेल डाले ना ये लोग कि मैं कुछ कह नहीं सकता। जो यामा का तेल आता है ना, जो यामा का सर्विस करते हैं ये लोग, भाई गंदी सर्विस करते हैं, मत करवाए करो। और भाई मैंने ना अभी पिछली सर्विस पे मैं गया था, मैंने इनसे कहा था कि भाई गेयर और क्या नाम है ये क्लिच वगैरह ना टाइट चल रही है, देखो क्लिच प्लेट ना ख़राब हो चुकी है इसकी। पर ये ना ये लोग जो है सर्विस के लिए जो बैठे हुए हैं ना, ये ध्यान नहीं देते भाई, ये सारी बेकार हो गई इसकी क्लिच प्लेट। ये वाली भी ख़राब हो गई, जो बीच का एरिया होता ना क्लिच का ये होता है निशान, जैसे ये वाला एरिया है हमारा, ये सारा घिस चुका है यार, इस पर लाइन ही लाइन आ चुकी है सारे में। कैमरे में इतना फोकस नहीं हो सकता, बट नेकेड आई से तो हम देख ही सकते हैं। और अभी इसकी सर्विस करवा लेंगे पूरी बढ़िया तरीके से। भाई यामा के शोरूम पर सर्विस ना करवाएं तो ही बढ़िया, क्योंकि चार पांच फ्री के चक्कर में ना इसका फ़ोन आ रहा है कंपनी का, तो चार पांच फ्री के चक्कर में ना भाई मोटरसाइकिल की एक्सटेंसी हो जावे। इसका प्लग भी ख़राब है, आज तक उन्होंने प्लग खोल के नहीं देखा बाइक का, ठीक है ना, प्लग ठीक है ख़राब है क्या है। तो भाई करवाते हैं आधी सर्विस, मतलब खोल वाले का तो ले गया, बाकी सर्विस हो जाएगी। अब सामान लेने गए हैं तो मिलते हैं अभी, जो सामान ले आएंगे भैया से बात करवाएंगे क्या कमी रहती है क्या नाम है शोरूम पर करवाने की और बात। तो भैया बढ़िया सर्विस करते हैं, मुझे अभी मोहित भाई ने नंबर दिया था इनका कि वहाँ पे जाके करवा के देख ले एक बार, तो भाई आते हैं तो जब बताते हैं। तो भाई मोड्यूल का चल रहा है 7140W 10W30, तो फोर स्ट्रोक इंजन के लिए होता है, सबसे बढ़िया तेल है। और ये भैया ऑयल के साथ डालेंगे, भैया अपनी तरफ से लाए हैं। और भाई जैसे कि मैंने बताया शोरूम पर तो सर्विस करवाओ मत यामा के पे, भाई चुनकियाँ बना रहे हैं बहन तो सब मिल गए, सबसे बढ़िया। अभी एक पूरी क्लिच की असेंबली मिली है, ये ना कि यामा की एम टी में कहना मैं तुम छोटी छोटी सी क्लिच गिरवा लोगे, वो नहीं है भाई, पूरी असेंबली मिली है। और देखते हैं एक बार खोल के इसे ओपन करके देखते हैं, कर लो ना ओपन ना। अरे भैया कह लगा बहन चौथ सुन तो ले पहले, ले भाई पूरा थिएटर सा मिला नहीं बहन चौथ का नाम है, और बाइकों में तो बाहर से भी गिर जावे। चल भाई लगवाते हैं ना गिरवाते हैं, और क्या लाए भैया क्या पावर वाला प्लग है, फ्री पावर वाला प्लग ले भैया, भैया प्लग रेडियल प्लग, अच्छा इसे क्या है रेडियल प्लग, इसमें रेडियल नहीं लगा भैया, बढ़िया होगा अच्छा छोटा पॉइंट होगा इसमें, सबसे बड़ी खासियत। तो भैया सबसे बढ़िया चीज़ पता लगी आज, रेडियल प्लग गिरवाओ भाई बाइकों में, अपना प्लग कंपनी वाला निकलवा दो, इसे लेकर लगवाओ, भैया ने बताया ये खत्म नहीं होता कभी भी। चलो भैया यूज करके देखते हैं अब की बार जैसा भी लगेगा। भैया चार पाँच साल तो मुझे ले भैया, भैया यहाँ चार पाँच साल, भैया भैया पाँच 200 NL 200 है कि चार पाँच साल से चल रही है भाई बाइक, बढ़िया चल रही है। चलो भाई तो मेरे 10 साल हो गए प्लग डले हुए, 4 साल हो गए। चलो मीटर लगा के देखते हैं एक बार, ट्राई करेंगे भाई। मेरे हिसाब से तो शोरूम पे यामा के पे सर्विस बिल्कुल मत करवाओ, अवॉइड करो जहाँ तक है जितना हो सके, बाहर करवा लो भैया के पास आ जाए करो। एड्रेस में बाद में बता दूंगा जो बाइक की सर्विस हो जाएगी पूरी, भैया ये बता देंगे अपने मुंह से, ठीक है। भाई क्लिच प्लेट असेंबल हो चुकी है, आप देख सकते हैं नई क्लिच प्लेट डाली है भाई सारे में, जूम कर लियो चले तो डल जाएंगी ये नई वाली, देखते हैं भाई ये कैसा रिजल्ट दिखाती है। भैया कह रहे थे ख़राब हो गई है, तो मैं कि नई गियर दो कोई बात ना, टोटल असेंबली आई है भाई पूरी। कितने दिन चल जाएगी भैया? 20,000 किलोमीटर चलेगी एक पर, चल जाएगी 25,000 में, साल में चले 2 साल में ना चले पूरी, जैसे हम चलाने वाले मोटरसाइकिल। भाई
बाइक का जो सारा काम फिनिश हो चुका है, बाइक वहाँ पे खड़ी है। और भैया हापुड़ मोड़ पे भैया की दुकान है, राहुल भैया यहाँ पे मिलेंगे अगर कुछ भी काम करवाना है गुरुद्वारे के पास, बिल्कुल गुरुद्वारे के बगल में। और ये अग्रवाल हार्डवेयर उसके बगल में गली जाई हुई है, तो यहाँ पे भैया का एक छोटा सा खोखा है, इस पे काम करते हैं भैया। तो अभी हम बाइक जो है धुलवाना है, वो शाम हो गए, शाम के बज रहे हैं 5:30 और हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। बाइक वहाँ पे धुल रही है, तो पूरा टोटल वर्क करवाने के बाद मैं 1 घंटे जो घर चला गया था, सो गया था थोड़ी देर। तो भाई एज यूजुअल मुझे काम तो थोड़ा अच्छा लगा, बट यार इतना काम तो हमारा छोटू जी कर देता, बट मैंने कि चलो एक बार उस पर करवा के देख लेता, अगली बार भाई छोटू पे करवाएंगे सर्विस। बस मैं उससे देख आया कि कैसे कैसे खुलती है खुलती नहीं है, क्योंकि छोटू को पता नहीं था कि कैसे खुलती है। एक बार मैं उस पर देख आया क्योंकि वो पावर वाली सर्विस की बाइक की सर्विस करता है, छोटा सा खोखा ही ले रहा भाई, बढ़िया सर्विस करी है उसने बंदे ने। तो अब आगे देखेंगे नीड पड़ेगी वहाँ जाने की तो ठीक है, नहीं तो छोटू से करा ले करेंगे। अभी बाइक धुला लेते हैं अपनी, धुलवा के फिर सेट हो जाएगी एकदम। बस मेरा तो यही है कहना है कि भाई यहाँ जो सर्विस सेंटर जो है इनमें सर्विस कराते हैं ना अपन लोग, तो बेकार है इनमें सर्विस कराना यार, वो ठीक ही ना करते हैं सर्विस। आंधा चूंधा काम चल रहा है, कुछ ऐसे ही चल रहा है, मज़ा ही ना आता सर्विस में। आज सर्विस करवाई हो तो मज़ा आया भाई, हाँ क्या नाम है, चल रही है बाइक बढ़िया से, ब्रेक व्रेक ना चेक करते ना कुछ करते, अब ठीक हुई है। अब धो जाए फिर घर चलते हैं भाई, नहाते धोते हैं फिर मिलते हैं।